ये मेमोरी कितना यूज़ हो रही है, जितनी भी इस पीसी में रैम है वो 40% यूज़ हो रही है। फिर टेम्परेरी फाइलें मेरे पीसी ने कितनी बना रखी है, देखिए 588 MB। तो इन टेम्प फाइलों को डिलीट करने भी आपका पीसी लगभग फ्री हो जाता है और उसकी जो बूटिंग कैपेसिटी वो अच्छी हो जाती है। आपका क्लिक करना है बूस्ट पे, जैसे आप बूस्ट पे करेंगे ये आपकी सभी टेम्परेरी फाइलों को इरेज कर देगा, देखिए 0 KB। और रैम भी कुछ देखिए 5% रैम। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माइक्रोसॉफ्ट पीसी मैनेजर। देखिए आजकल विंडो 10 के बाद से जो हमारी पीसी के हार्ड ड्राइव है बहुत ज़्यादा बिजी रहती है, पीसी हैंग कंडीशन में रहते हैं। लेटेस्ट से लेटेस्ट हार्डवेयर भी हम अगर लगा रहे हैं तो हमारे पीसी की जो बूटिंग प्रोसेस है या जो रीस्टार्ट होने के बाद टाइम लेता है या नॉर्मल भी जो हम काम करते हैं उसमें हमारे पीसी बिजी महसूस होते हैं, यानी कि हैंग कंडीशन में रहते हैं। तो उसके लिए एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको आप अपने पीसी में डाल दोगे तो आपका पीसी स्मूथ चलेगा, जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट पीसी मैनेजर। माइक्रोसॉफ्ट पीसी मैनेजर ऑथराइज माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ही है। इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, ये स्क्रीन हमने खोल रखी है पर हम आपको जीरो से भी बता दें, आपको गूगल में जाना है। हमें google.com ओपन करना है। google.com ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे लिखना है पीसी मैनेजर। जैसे ही आप पीसी मैनेजर टाइल ड्राइव करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऐप से आपको यहाँ क्लिक करना है और पीसी मैनेजर की वेबसाइट खुल जाएगी। इस पीसी मैनेजर को आपने इंस्टॉल कर लेना है अपने लैपटॉप पे और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेज नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ऑथराइज सेटअप है। और इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको गेट पे क्लिक करना है, कुछ देर लगेगा, डिपेंड ऑन योर इंटरनेट स्पीड ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आपको दिखाते हैं, इस छोटे से सॉफ्टवेयर में कई कमाल के फीचर हैं जिससे आपका पीसी फास्ट हो जाएगा और जो आपके अनवांटेड एप्लीकेशंस हैं उनको ये ड्रॉप कर देगा। मतलब अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप उस एप्लीकेशन को बंद भी कर सकते हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है। देखिए 13 MB का सॉफ्टवेयर छोटा सा इंस्टॉल हो रहा है। जैसे इंस्टॉल होता है तो आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं इसको। जैसे अभी इंस्टॉल हो गया, अब बैकग्राउंड स्क्रीन को आप बंद कर सकते हैं, इसे ओपन करना है। ये फर्स्ट टाइम ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि आपके पीसी को एनालाइज करेगा, पीसी में क्या क्या है उसके हिसाब से ये ओपन होगा। देखिए हमारा कंप्यूटर का जो प्रोसेसिंग है इसमें फुल मतलब चल गया, इस स्क्रीन को आप बंद कर सकते हैं। और ये है वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट पीसी मैनेजर का फर्स्ट स्क्रीन, इसको आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। आप चाहते हैं कि जब भी आपकी विंडो चले तो ये अपने आप चल जाए तो इस चेक को लगा रहने दें, अदरवाइज इसे हटा दें, आप मैन्युअली भी इसे चलाएं। इसको मेरी पर्सनल गाइड है कि आप मैन्युअली चलाएं ताकि एक एप्लीकेशन और ना बढ़ा लें हम अपने पीसी के परफॉर्मेंस पे। जैसे इसे चलाएंगे ये कहेगा यूज़ द हैंडी टूल बॉक्स, तो इसको आप ट्राई कर दें। ये एक हैंडी टूल बॉक्स है जो आपको इनेबल डेस्कटॉप ऑप्शंस देता रहेगा, तो इसको आप शो टूल बोर्ड और डेस्कटॉप कर सकते हैं, तो ये आपको डेस्कटॉप पे दिखाई देता रहेगा। तो एक टूल बार है इनकी तरफ से, इसके बारे में बात करेंगे पर पहले मेन चीज़ पे आते हैं, होम स्क्रीन पे आते हैं। देखिए सबसे पहले ये बता रहा है कि मेरी मेमोरी कितना यूज़ हो रही है, जितनी भी इस पीसी में रैम है वो 40% यूज़ हो रही है। फिर टेम्परेरी फाइलें मेरे पीसी ने कितनी बना रखी है, देखिए 588 MB। तो इन टेम्प फाइलों को डिलीट करने भी आपका पीसी लगभग फ्री हो जाता है और उसकी जो बूटिंग कैपेसिटी वो अच्छी हो जाती है। आपका क्लिक करना है बूस्ट पे, जैसे आप बूस्ट पे करेंगे ये आपकी सभी टेम्परेरी फाइलों को इरेज कर देगा, देखिए 0 KB। और रैम भी कुछ देखिए 5% रैम का भी लोड घट गया, यानी कि अननेसेसरी कुछ वर्किंग आपके पीसी पे चलती रहती है। इसको आप सेटअप है स्मार्ट बूस्ट भी कर सकते हैं कि ये ऑटोमेटिक भी इसको ऑन कर देगा और ये इसको मैनेज करता रहेगा, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, आप मैन्युअली कीजिए ताकि आपके पीसी का कोई एक्स्ट्रा वर्क ना बढ़े। इसके बाद होता है आपका ऑप्शन स्टार्टअप। जब भी आप पीसी को स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारी बैकग्राउंड एप्लीकेशनें भी, देखिए यहाँ पर मेरे पीसी में इतनी सारी बैकग्राउंड एप्लीकेशनें भी रन हो जाती हैं, जिससे क्या है मेरा पीसी अननेसेसरी
बिजी हो जाता है बूटिंग के समय। तो वेरी सिंपल, आप यहाँ पे जाके देखिए स्टार्टअप इम्पैक्ट अननोन है, इसको हम बंद कर सकते हैं। स्टार्टअप इम्पैक्ट, ये भी कोई जो एप्लीकेशन आपको नहीं चाहिए उन सबको यहाँ से आप स्टार्टअप में बंद कर सकते हैं। अडोपी अपडेट है, इस यूटिलिटी को भी बंद करते हैं। एनी डेस्क भी हमें हमेशा नहीं चाहिए। ये वायर गार्ड की सर्विस है, इसको हम बंद कर देते हैं। जिस सर्विस के बारे में आप नहीं जानते उसे चलने दीजिए, जैसे एब्सेंट प्रिंटर की कुछ सर्विस हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट रन हो जाती है, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। गूगल ड्राइव की हमें ज़रूरत है, ग्रामरली की हमें ज़रूरत है, उसको ऑन जाने देंगे। इंडिया डाउनलोड मैनेजर की ज़रूरत है। एक कोई ये लॉन्चर है, इसको बंद कर देते हैं। स्टार्टअप लोकल डिवाइस है, पावर ISO है, और रियल टेक का साउंड तो हमें चाहिए। सफोस का एक सॉफ्टवेयर डला हुआ है। स्ट्रीम भी हर बार रन होता है नहीं, जब हमें ज़रूरत होगी तब करेंगे। एक PTZ कैमरे का सॉफ्टवेयर है, और विंडोज सिक्योरिटी, इसको हमेशा इनेबल रखें। तो इस हिसाब से जो जो आपका नॉलेज है आप यहाँ से उनको ऑफ कर सकते हैं, स्टार्टअप ऐप काम ना करें। तो इस तरह से उसके बाद यहाँ पे प्रोग्रेस ऐप भी है कि कितनी ऐप्स बिना मतलब आपके बैकग्राउंड पे काम कर रही है। देखिए अभी मुझे स्ट्रीम नहीं चाहिए, मैं इसको एंड नाउ कर सकता हूँ ताकि PC फास्टली चले। स्ट्रीम क्लाइंट हेल्पर है, इसको भी एंड नाउ कर दें। मतलब जो सर्विस आपको नहीं चाहिए आप यहाँ से एंड नाउ कर सकते हैं। अननेसेसरी वो सर्विस है बैकग्राउंड पे आपके, जैसे माइक्रोसॉफ्ट टीम है, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, इसको एंड नाउ करो। इससे क्या होगा, आपका PC फ्री रहेगा। ये ऐप अपने आप आपको ढूंढ के दे देगी कि क्या क्या चीज़ें आपकी बैकग्राउंड सर्विसों में अननेसेसरी वर्क कर रही है, तो आप उन सभी सर्विसों को डेड कर सकते हैं। डेड का मतलब वो अनइंस्टॉल नहीं होगी, वो बैकग्राउंड पे काम करना बंद कर देगी इस समय। अभी जैसे एप्सन की कुछ सर्विसें चल रही है, प्रिंटर का तो हम कभी कभार जोड़ते हैं, पर ये देखिए एप्सन की इतनी सारी सर्विस है बैकग्राउंड पे PC को बिजी कर रही है, इनको बंद रखिए। ये भी कोई एरो ट्रे मेमोरी यूज़र, मतलब जो भी, ये देखिए एंटर एनी डेस्क नहीं चाहिए, इसको बंद कर दीजिए। बहुत सारी सर्विसें बैकग्राउंड पे काम करती है। तो ये PC मैनेजर आपको पूरी तरह मैनेजमेंट देगा। देखिए अब जो स्टार्टिंग टाइम वो 6 सेकंड हो गया उनको बंद करने के बाद, पहले वो ज़्यादा था। कितनी ऐप्स पहले बैकग्राउंड पे चल रही थी, अब इतनी रह गई है। इसके बाद आता है हेल्थ चेकअप। आप अपने PC का हेल्थ चेकअप भी कर सकते हैं। देखिए इतनी टेम्परेरी फाइलिंग, सिस्टम लॉग, रिसेंट फाइल्स वगैरह वगैरह बने हुए हैं, इनको आप प्रोसीड कर दीजिए। तो ये PC को क्लीन कर देगा और आपके PC के परफॉर्मेंस को बढ़ा भी देगा। तो देखिए हेल्थ चेकअप भी होगा। इसके बाद सबसे ऑप्शन है डीप क्लीनिंग। आपकी सी ड्राइव में बहुत सारी बैकग्राउंड जब एप्लीकेशन चलती है या किसी सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड करते हो या किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके अनइंस्टॉल कर देते हो, तब भी उसकी बहुत सारी सर्विसें बैकेंड पे रहती हैं आपके कंप्यूटर के सी ड्राइव में, और जो आपके सी ड्राइव को बिजी कर देती है और उसके स्पेस को भी यूज़ करके रखती है। आपको बता दें जो माइक्रोसॉफ्ट का OS होता है वो पार्टीशन सिस्टम पे काम करता है, NTFS, FAT32 या XFAT पे। तो और जो मैक में टेक्निक कुछ अलग है, लाइनक्स में कुछ अलग है, ये भी OS के ही पार्ट हैं, पर अभी हम माइक्रोसॉफ्ट ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो माइक्रोसॉफ्ट की बात करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट का जो पहला पार्टीशन होता है हार्ड ड्राइव का, वो सी ड्राइव होता है प्राइमरी, उसी में 99% आपका OS इंस्टॉल होता है। अगर सी पार्टीशन भरा हुआ होगा, उसमें अननेसेसरी बैकग्राउंड फाइल्स पड़ी होंगी, तो आपका PC स्लो हो जाएगा। आपके PC के प्रोसेसर और रैम को अननेसेसरी पावर लगानी पड़ेगी उसको चलाने के लिए। तो ये जो क्या है डीप स्कैनिंग क्या करेगा, आपकी सी ड्राइव में से सिस्टम क्लीन अप कर देगा, एप्लीकेशन की जो कैशे फाइल्स है उनको हटा देगा, रिसाइकल बिन में अननेसेसरी डाटा या वेब कैशे है उनको हटा देगा, किसी भी डाटा को डिलीट नहीं करेगा, उनको क्लीन कर देगा। तो इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। देखिए सिस्टम क्लीनिंग कितना हुआ मेरा, 3.4 GB, यानी कि मेरी सी ड्राइव में 3 GB, 3.5 GB के पास अननेसेसरी फाइल्स थी। तो ये यहाँ पे दिखा भी दिया इसने पूरा डिटेल्स में। इसके बारे आपसे भी पूछ रहा है कि आप अगर चाहते हैं तो मैन्युअली भी कर सकते हैं भी, जो चीज़ आपको नहीं चाहिए अगर आपको नॉलेज है, वरना ये भी सजेशन करता है कि इन इन चीज़ों को मैं अपने आप हटा रहा हूँ, इन इन की जरूरत है तो आप हटा लीजिए वरना रहने दीजिए। तो जैसे हम इसे प्रोसीड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली मेरा PC मतलब 1.7 GB के आसपास क्लीन हो जाएगा। तो देखिए क्लीनिंग, तो ये चारों प्रोसेस अगर आप कर देंगे तो आपका PC बहुत अच्छी कंडीशन पर वर्किंग करने लग जाएगा।
दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा वो आप कमेंट के ज़रिए हमें बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। हमारे चैनल को सर्च करना बिल्कुल ही आसान है, आप यूट्यूब पर आएँ, हेम सिंह मेरा नाम है, सिरसा सिटी से मैं बिलोंग करता हूँ। तो अगर आप सर्च के अंदर सर्च आउट करते हैं हेम सिंह सिरसा, जो मेरा नाम और मेरी सिटी का नाम है, तो मेरा चैनल्स जो HSTech चैनल है वो आपके सामने आ जाएगा। ये मेरा ऑफिशियल लोगो है। इस चैनल पर आकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाएँ। ऐसी ही टेक्निकल वीडियोस हम आपके लिए और भी लाते रहेंगे। आप हमें कमेंट्स के ज़रिए भी बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो थैंक यू एंड बाय बाय।